नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। लगातार आपने देखा होगा कि बिहार को लेकर के अब देश भर में चर्चा होने लगी है कि आखिर बिहार किस करवट बैठेगा। क्या इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें बिहार की भूमिका जिस तरह से बताई जा रही थी, उस भूमिका से क्या फायदा होगा इंडिया गठबंधन को? इन सारी बातों को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है और चर्चा होने के पीछे का कारण एक सबसे बड़ा है कि लालू प्रसाद एक्शन में आ गए हैं। लालू प्रसाद के एक्शन में आने के बाद आप जानते हैं कि राजनीति और ज़्यादा गर्मा जाती है, तेज हो जाती है। बिहार में जब पहली बैठक हुई थी पटना में, तब से लेकर के तीसरी बैठक जब मुंबई में हुई, तब तक लालू प्रसाद चर्चा में रहे। और लालू प्रसाद के चर्चा में रहने से ये कहा जा रहा है कि नीतीश और लालू की जोड़ी बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए खतरनाक है। खास करके अगर चुनावी मामले की बात करें या चुनाव की बात करें, तो चुनावी माहौल में ये दोनों कोई बड़ा गेम कभी भी कर सकते हैं। हालांकि इनके साथ और भी 28 दल शामिल हैं, लेकिन उनकी चर्चा कम हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किस बात की है तो वो है लालू प्रसाद नीतीश कुमार और कांग्रेस की दोस्ती का। क्या लालू प्रसाद नीतीश और कांग्रेस की दोस्ती वैसी ही रहेगी जैसी 2015 में रही थी? यही सबसे ज़्यादा सस्पिशन पैदा कर रहा है। और इस सस्पिशियस स्थिति को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से नहीं बल्कि लालू प्रसाद से कांग्रेस की लगातार मुलाकात, बंद कमरे में बात और उसके बाद समय समय पर तस्वीरों का बाहर आना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लालू और कांग्रेस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अब कन्फ्यूज़न की स्थिति में रह रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश के इमरजेंसी मीटिंग से एक और कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है। आपको बता दें कि लालू के कन्फ्यूज होने का कारण भी है कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि बिना कुछ कहे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने और अचानक से मीटिंग बुला करके सबको कन्फ्यूज करने की स्थिति पैदा की गई थी। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के बिहार दौरा से पहले, क्योंकि आपको पता है कि बिहार आ रहे हैं अमित शाह के आने से पहले इस तरह की प्रक्रिया का होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें ठोक बजा करके देखना चाहते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक मीटिंग की गई थी जिसमें पूर्व विधायक से लेकर के बाकी सभी लोगों को बुलाया गया था, लेकिन कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। सभी का कहना यह था कि हमें बुलाया गया था कि हमारे क्षेत्र की प्रगति क्या है, काम किस तरह से हो रहे हैं या हमारी समस्याएँ क्या है। लेकिन बातें अंदर में जो हुई मुस्कुराहट बता रही थी कि कुछ और है। इस बीच आपको बता दें कि लगभग एक महीने से ज़्यादा वक्त हो गए इस मीटिंग के। अब एक बार फिर से एक महीने के सोच विचार के बाद, एक महीने के पूरे कहा जा रहा है कि जो चर्चाएं हुई थी जिसमें जो टास्क दिए गए थे, उसके बाद नीतीश कुमार का एक बार फिर से सभी को बुलाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे क्या किया जाए। हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ उनके लिए न आगे न पीछे दोनों तरफ जाने का रास्ता चौक हो गया है। उन्हें कहीं ना कहीं दाएं बाएं तो निकलना ही पड़ेगा। अब दाएं बाएं निकलने की स्थिति में ही नीतीश कुमार के सांसद और उनकी पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो सकती है या मजबूत रह सकती है। आपको पता है कि बार बार ये बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार तक संदेह के घेरे में है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के 16 में से अधिकांश विधायक, माफ कीजिएगा, सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के टच में हैं। हर कोई इस बात की तरफ सशंकित है कि क्या लालू प्रसाद के रहते उन्हें वोट मिलेगा या उन्हें उम्मीदवारी मिल सकती है। ये भी बातें चर्चा में आ गई हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर लालू प्रसाद ने पहले ही अपना दावा ठोक दिया है। ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा हो रही हैं जिससे नीतीश कुमार को भी असमंजस हो रहा है और दूसरी तरफ लालू और कांग्रेस के दोस्ती को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां पूरा ये INDIA गठबंधन है वो नीतीश कुमार को लेकर के सशंकित है, तो वहीं अब नीतीश कुमार लालू प्रसाद और कांग्रेस की दोस्ती को देख करके सशंकित हैं। हमने खबरों में आपको बताया भी था कि यदि फैसला लेना हो लालू प्रसाद को नीतीश कुमार और कांग्रेस में कौन, तो अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए तैयार हैं तो नीतीश से बढ़िया कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कांग्रेस सबसे बेहतरीन विकल्प है।
अब ऐसी परिस्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सामने से निकल करके आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मीटिंग बुलाई है, और जब जब वो मीटिंग बुलाते हैं तो कुछ बड़ा जरूर होता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है अमित शाह के आने से पहले। कहा तो ये जा रहा है कि अमित शाह ने अपने आने से पहले ही माहौल गर्मा दिया है। अब ये माहौल कितना गर्म रहता है, इसके मायने क्या हैं, सब कुछ बहुत जल्द आपके सामने होगा। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार अभी जहां खड़े हैं वहां सहज तो नहीं दिख रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।